यार आज तुम लोगों के लिए एक मैसेज है, एक मैसेज ऐसा मैसेज कि तुम लोगों ने इतना फलाना कि हमारे जो कम से कम ज़्यादा दुनिया को तो नहीं मैं कहता, लेकिन हमारे जो मुसलमान भाई बहनें हैं जो गेम्स खेलती हैं ज़्यादातर बैटल रॉयल वगैरह या कोई भी गेम्स खेलते हैं जिनमें हम अपना नाम वगैरह रख सकते हैं, दूसरे प्लेयर के साथ हम कम्पीट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, उनका उन तक ये मैसेज होना चाहिए। और मतलब कि शेयर करो, दिल खोल के शेयर करो इस वीडियो को, जहाँ जहाँ पहुँचा सकते हो पहुँचाओ। यार बात ऐसी है कि मैं 3 दिन से नोट करूँ, 3 4 दिन मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे ये बड़ा मैंने नोट किया है कि ना बड़े ज़्यादा प्लेयर्स यार ऐसे ना बैटल रॉयल में या मल्टीप्लेयर ऐसे आते हैं जिन्होंने अपने नाम ना रखे होते हैं सिंपल, यार मोहम्मद लिखा होता है उन्होंने, या सिंपल मोहम्मद लिखा होता है, या फिर उन्होंने नाम के आगे सही अपना नाम, जैसे मेरा नाम है तो मैं अपने नाम के आगे मोहम्मद लिख लूँगा या मोहम्मद के बाद अपना नाम लिख लूँगा। तो ये बात यार बहुत गलत है। अब गलत किस तरह से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, गलत इस तरह से कि यार जब हम किसी बंदे को नाक करते हैं, ठीक है, मतलब कि मैं, चलो मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं किसी को क्या कहूँगा, मैं अपने नाम से मैंने नाम रखा है ऐसे मोहम्मद, ठीक है, और मैं किसी को नाक करता हूँ या किल करता हूँ तो क्या आएगा, मोहम्मद किल, ठीक है, मोहम्मद नाक आउट, मतलब मैंने किया। और अगर कोई मुझे नाक कर देता और मेरा नाम वही है, ठीक है, नौज़ बिल्ला, मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फलां मतलब कोई भी है, किसी ने किल दे आगे वो नाम आएगा जो इसका मैंने अभी जिक्र किया है, या फिर नॉकआउट, मतलब आप खुद सोच लो एक बार, आप मैं तो नहीं यहाँ बोल सकता, लेकिन खुद अपने दिमाग में ये बात सोचो कि जब वो पट्टी चलेगी और जब वहाँ लिखा होगा फलां किल दे आगे वो नाम आएगा, तो आपके जहन में सबसे पहले क्या बात आएगी, आप किस बारे में सोच लो यार, इतनी गलत बात। हम एक दिन में पता नहीं यार कितना गुण, हम मुसलमान हैं, हम एक दिन में पता नहीं कितना गुनाह कमाते हैं इस वजह से, ये हरकत करने की वजह से हम कितना एक दिन में गुनाह कमाते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने, मैं 3 दिन पहले भी ये सोचा था, लेकिन मैं इतना, मैं कहा यार चलो कोई बात नहीं, लेकिन यार 3 दिन से मुसलसल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ना, बहुत ज़्यादा ने अपने नाम के आगे या अपने नाम के पीछे मोहम्मद लिखा है, या बहुत ज़्यादा लोगों ने ना खाली मोहम्मद लिखा है खाली। और उन तक मैं चाहता हूँ कि यार इतना ये, खासकर मैं हमारे मुसलमान भाइयों तक बहनों तक ये मैसेज पहुँचे जो गेम्स खेलते हैं, उनको यार इतनी समझ आ जाए कि यार हम गलत कर रहे हैं, हम एक दिन में पता नहीं कितना गुनाह कमाते हैं। यार आप खुद सोच लो अभी बैठे बैठे कि जब ये नाम चीज़ पट्टी चलती है, ये नाम चलता है गेम के अंदर कि फलां खेल आगे वो नाम आता है, तो कितना मतलब यार क्या हम क्या हो गया यार हमें मुसलमानों को, हम मतलब कि छोटी छोटी गलतियों से हम इतनी इतनी बड़ी इनको गलतियां बना देते हैं, हम उनको मतलब दुरुस्त नहीं करते, ठीक है ना, उस गलती को बढ़ाते रहते हैं बढ़ाते रहते हैं, उसे सही नहीं करते यार। ये गलती अभी हम अभी इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बड़ा मसला बन गया ना फिर नहीं हो सकती। आप खुद सोच लो कितना बड़ा गुनाह है कि हम किल या नाकआउट लिखा हुआ है, किस नाम के ऊपर लिखा हुआ है यार, ठीक है, चाहे हम उस नाम को किसी और के साथ तशबीह देते हैं, लेकिन नहीं, मोहम्मद मोहम्मद ही है, ठीक है ना, वो किसी के नाम के आगे लगता है, किसी के नाम के पीछे लगता है, लेकिन मोहम्मद है, ठीक है ना। तो थोड़ा खुदा का खौफ करो, और जिन भाइयों ने ऐसा नाम या बहनों ने रखा हुआ है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना नाम बदलो। अब मेरा भी आप नाम दे सकते हैं, मैंने अपने पहले ना मैंने अपने नाम पे ये आईडी बनाई हुई थी, लेकिन फिर जब मुझे थोड़ी समझ आ गई जिसे कहते अकल आ जानी, मुझे अकल आई, मुझे जब अकल आई है तब मैंने अपना वो नाम बदल, अपना नाम भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम मरेंगे मिसाल के तो मैं किससे किल हो गया, मैं ना ठीक है मिसाल के तो किसी मुझे किल फलां किल्ड अफाक, फलां नॉक आउट अफाक, ये आ जाएगा, इसलिए मैंने अपना नाम भी पहले बदल दिया और मैंने अपना नाम ये डेड ड्रैगन रख लिया, ताकि अगर मैं भी किसी को मारता हूँ या कोई मुझे भी मारता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना ये मेरा नाम है ना मैं इस नाम किसी बंदे को जानता हूँ, ठीक है। कोई ऐसे नाम रखो जो यूनिक हो, जैसे ये डेड ड्रैगन वगैरह, कोई भी अजीब जो किसी का नाम ना हो, मोहम्मद तो एक बहुत ही मतलब अजीम है ना नाम, वो तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपना नाम भी ना लिखा करो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये जितने भी लोगों का शेयर कर सकते हो करो, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाइयों तक पहुँचना चाहिए कि वो जिन्होंने ये किया ये गलती कर रहे हैं, रोज़ पता नहीं वो कितना गुनाह यार हम कमा लेते हैं इस वजह से, तो वो इस गलती को सुधारें यार।